भारत में ट्रैवल का सबसे व्यस्त समय चल रहा है। गर्मियों की छुट्टियों में लोग जमकर यात्रा कर रहे हैं। ट्रेनों में रिजर्वेशन फुल है, वेटिंग लिस्ट सेंचुरी लगा चुकी है। इस बीच लंबी दूरी का एक ही जरिया बचता है, वो है हवाई यात्रा। लेकिन इस सीजन में यहाँ भी महंगाई की तगड़ी मार पड़ रही है। कई रूट पर हवाई किराए 40% तक बढ़ गए हैं, लेकिन इस बार यात्री संख्या बढ़ना ही इसका कारण नहीं है, बल्कि कई रूट पर एयरलाइंस की सेवाएं घटने और फ्लाइट की कमी भी हवाई किराए बढ़ने का प्रमुख कारण बनकर सामने आया है। भारतीय आकाश की बात करें तो ये दुनिया के सबसे व्यस्त एयर रूट्स में से एक है। भारत में हर महीने 125,000 से ज्यादा विमान उड़ान भरते हैं। इसी साल अप्रैल महीने की अगर हम बात करें तो देश में 1.35 करोड़ लोगों ने उड़ान भरी है, यानी कि हवाई यात्रा की है। रोजाना के औसत की अगर हम बात करें तो हर दिन 4.5 लाख यात्री उड़ान भरते हैं। हालांकि देश की आबादी का केवल एक छोटा प्रतिशत ही हवाई यात्रा करता है, लेकिन फिर भी भारतीय एयरलाइंस की क्षमता में कमी इस सेक्टर की एक प्रमुख चुनौती है। वहीं पायलटों और केबिन क्रू की हड़ताल के चलते पीक सीजन में एयर इंडिया और विस्तारा जैसी बड़ी एयरलाइंस को कई रूट पर फ्लाइट्स की संख्या घटानी पड़ी है। एविएशन एडवाइजर कंपनी CAPA इंडिया के मुताबिक टॉप 20 घरेलू मार्गों पर औसत किराए में पिछले 2 दशक में बड़ी वृद्धि नहीं देखी गई थी, लेकिन पिछली 6 तिमाहियों तक इन रूट में लगभग 40% की वृद्धि हुई है। जिन मार्गों पर किराए सबसे ज्यादा बढ़े हैं उनमें दिल्ली मुंबई, बेंगलुरु दिल्ली, बेंगलुरु मुंबई और दिल्ली हैदराबाद शामिल है। पिछले 3 साल में विशेष रूट पर हम देखा जाए तो COVID-19 महामारी के बाद किराए में वृद्धि हुई है। किरायों में वृद्धि का एक कारण एविएशन फ्यूल भी है। यहाँ भी कोविड के बाद यूक्रेन रूस युद्ध के चलते कीमतों में विस्फोट हुआ है, यानी बड़ा इजाफा हुआ है। CAPA इंडिया के अनुसार पर्याप्त मात्रा में विमान ना होने के कारण भी किराए में तेजी से वृद्धि हुई है। देश में औसतन 150 विमान ठप खड़े रहते हैं, जिसके कारण एविएशन सेक्टर में दबाव बढ़ रहा है। उस पर गो एयर संकट के चलते पिछले 1 साल में विमानों की उपलब्धता तेजी से घटी है। यात्री संख्या बढ़ने के कारण किरायों में भी इजाफा हो रहा है। जानकार इस पर कहते हैं कि किरायों में ये तेजी 2025-26 तक जारी रह सकती है, उसके बाद संभव है कि किरायों में कमी आए। राष्ट्रीय स्तर की अगर हम बात करें तो 2003-2004 में देश में विमान का औसत किराया 4,989 रुपये था, जो वित्त वर्ष 2019-20 में लगभग 11,000 हो गया था। इसे अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो देश के सबसे बड़े व्यस्त रूट दिल्ली और मुंबई की बात करें तो यहाँ औसत हवाई किराया लगभग 5,000 से 6,000 रुपये है, जबकि कोरोना से पहले यहाँ औसतन 2,500 से 3,000 रुपये में टिकट मिल जाता था। ऐसे में अगर आप भी इस साल हवाई यात्रा करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको महंगे किराए की चुभन से परेशान होना पड़ेगा। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में अपने अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करके बताएं। आप बता सकते हैं कि कोरोना से पहले और अब आपके टिकट के खर्च में कितना इजाफा हुआ है। और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए Money9 और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।